गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हार्दिक भट्ट हियर। आई शैल टीच यू अबाउट द नाउन नंबर। हम अपने हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में ये तीन होते हैं नाउन नंबर जो, लेकिन इंग्लिश में केवल दो होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हिंदी में तो एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है, लेकिन इसमें केवल हम सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं ये नाउन नंबर। एक होता है फर्स्ट इज मैन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। इफ द सब्जेक्ट इज डूइंग एनी वर्क और एनी एक्शन एलोन सोलो, दैट इज अ सिंगुलर नंबर। इफ ए सिंगल पर्सन या सिंगल एनीथिंग इज डन बाई द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर केवल एक व्यक्ति को ही कहा जाता है, एक से ज्यादा होने पर वो बहुवचन या प्लूरल नंबर में चला जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, देन ही इज अ सिंगुलर नंबर। I went to Delhi, I, this is the singular number, it is rainy, it singular number, so these are the singular number. Suppose the boy is playing the boy by singular, एक लड़का है। तो आपने ये देखा कि जब कोई एक व्यक्ति किसी एक्शन को करता है तो उसे हम उस व्यक्ति को हम सिंगुलर नंबर में लेते हैं। काउ, cow gives us milk, cow, this is singular number। तो आपको इस बात की पहचान हो गई होगी कि सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। यदि एक व्यक्ति है जो वर्क कर रहा है उसे हम सिंगुलर नंबर में ले जाते हैं, और एक से ज्यादा होने पर वो प्लूरल नंबर होते हैं। लाइक दिस यू कैन सी प्लूरल नंबर ऑल्सो, प्लूरल नंबर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं, यानी एक से अधिक, दो, तीन, चार, पांच, जितने भी हो सब प्लूरल नंबर में आते हैं। जैसे अगर ही है तो वह का वे हो जाता है, वह एक व्यक्ति है लेकिन अगर वे होगा तो वो प्लूरल नंबर में हो जाएगा। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। इट हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इट का प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं होता, इसका प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता। ही का दे हो जाता है, आई, आई का देखें वी,
are in the garden. अर्थात जो आई है, आई का वी हम हो जाता है, मैं का हम हो जाता है, बॉय तो बॉयज हो जाता है, बॉयज आर प्लेइंग, अर्थात कई लड़के हैं, इसमें संख्या निर्धारित नहीं है, कई लड़के हैं जो खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। कुछ जो आपके शब्द हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं उनका चार्ट भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और कुछ के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिसको होमवर्क में आप लोग सिंगुलर नंबर का प्लूरल नंबर बना करके आप लोग ले आएंगे या हमें कॉन्टेक्ट करेंगे फोन पर। आपका ही होमवर्क होगा, आप सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चेंज इनटू प्लूरल। ये आपका होमवर्क रहेगा, पहला गर्ल, दूसरा काउ, थर्ड डॉग, गर्ल काउ डॉग कैट, sheep, fish, house, man, wife, और एक और टेंथ में देखिए KNIFE9। इन सब के प्लूरल नंबर आपको बनाने हैं, यही आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।